पौध व्यापार संघ के महासभा में नए प्रभारी चंदन सिंह सह प्रदेश महासचिव का अभिनंदन, सुपौल जिला के अध्यक्ष अशोक यादव सहित सभी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य ने पूरे जोश के साथ अभिनंदन किया और उन्हें कहा आगामी 13 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आगमन पर जिला कमेटी के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सभा को सफल बनाएंगे। इसी चर्चा के लिए यह आम सभा आयोजित किया गया था और उन्होंने कहा सुपौल के प्रभारी का जो हमें पद दिया गया है उसे हम पूरी दायित्व के साथ निभाएंगे। मैं पार्टी के हर सुख दुख में साथ रहूंगा, कहीं से यह नहीं महसूस होने दूंगा चंदन सिंह प्रभारी बनकर आया है। मैं आपके घर का बेटा हूं, अगर पार्टी में कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत का हम सामना करेंगे और सभी साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हमारे भाई विजय पासवान जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, यहां के समस्त लोक जनशक्ति पार्टी के सारे परिवार को मैं सुपौल के धरती से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग के द्वारा मुझे सौभाग्य मिला कि सुपौल का प्रभारी बनने का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दायित्व दिया है, हमारे गार्जियन रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी द्वारा मुझे दायित्व दिया गया है सुपौल का प्रभारी का। सुपौल का सुख दुख में मुझे साथ रहने का मौका मिला है। हम सुपौल के तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ताहे ताहे दिन से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग का से मुझे कदम में कदम मिला के लोक जनशक्ति पार्टी का परचम लहराने का काम करूंगा। आप लोगों का साथ मैं सदैव सुख दुख में साथ रहूंगा, कहीं से आप लोग को यह नहीं बुझाएगा कि सुपौल का प्रभारी चंदन सिंह बन के आया है, यह आपका घर का बेटा है, यह नेता नहीं है। आपका हर सुख दुख में मैं साथ रहूंगा। साथ साथ 14 अप्रैल को हम लोग को चिराग पासवान द्वारा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जो आह्वान किया गया है लोक जनशक्ति पार्टी का गांधी मैदान में, जो हम लोग को एकजुटता दिखाना है, क्योंकि मेरा एनडीए गठबंधन है, तीन दल का गठबंधन है, जदयू, भाजपा और लोजपा। ये चुनावी वर्ष है, 2020 में हम लोग का चुनावी वर्ष यह चल रहा है। चुनावी वर्ष के लिए यह गांधी मैदान में रैली किया जा रहा है, क्योंकि अपना अपना ताकत दिखाना है, क्यों गठबंधन दल है इसीलिए अपना ताकत यदि नहीं दिखाइएगा तो बिना ताकत का कहीं कोई अथी नहीं रहता है। ताकत इसीलिए दिखाया जाता है कि हर हाल में सुपौल जिला में हमारे सुपौल जिला के जितने कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार हैं, इनका कहना है दो सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में हम लोग